अरे डॉक्टर साहब, आप तो हर बारी बेबी के लिए गाय के दूध को मना कर देते हो, ऐसा क्यों? बाहर तो सब लोग बड़े लाड़ प्यार के साथ अपने बेबी को गाय का दूध ऑफर करते हैं। अरे माय डियर पेरेंट्स, क्या आपके बेबी की बॉडी और गाय के बेबी की बॉडी सेम होती है? माना कि गाय के दूध में बहुत ज्यादा कैल्शियम, फॉस्फेट और सोडियम मौजूद होता है। अरे लेकिन वो तो उसके खुद के बेबी के लिए होता है, लेकिन आपके बेबी के लिए खतरा भी बन सकता है। नंबर वन, मदर मिल्क के कंपैरिजन में गाय के दूध में बहुत ज्यादा प्रोटीन और मिनरल शामिल होते हैं, जो कि नन्हे बच्चे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एंड लेटर इट कैन लीड टू एलर्जीज एंड सेंसिटिविटीज आल्सो। नंबर टू, गाय के दूध में इतना ज्यादा फॉस्फेट होता है कि वो बच्चे के किडनीज पे अंडू स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। नंबर थ्री, बच्चे की जो इंपॉर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट होती है, जैसे कि इधर उधर देखना, आपको फॉलो करना, आपके साथ मुस्कुराना, इन सब के लिए बेबी को जरूरी फैटी एसिड्स और DHA की नीड होती है, और जो कि गाय के दूध में ना के बराबर होते हैं। नंबर फोर, गाय के दूध में इतना ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट होता है कि बेबीज को अगर वो ऑफर किया जाए तो उनको कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में भी काफी दिक्कत होती है, और इसी के वजह से कई बच्चों में हाइपोकैल्शेमिक सीजर्स भी देखे गए हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर एवरी पेरेंट एंड दैट इज ओके, बट गाय के दूध के अलावा कई सारे ऑप्शंस जैसे कि डोनर मिल्क और फॉर्मूला जैसे अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी अवेलेबल है, विच इज डिजाइन टू मिमिक सम बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन मिल्क। लेकिन फिर भी आपके बेबी को अगर गाय का दूध आपको देना ही है तो उसे एक साल का होने दे, बट रिमेम्बर टू चूज होल मिल्क एंड अवॉइड लो फैट स्कीम वर्जन अंटिल दे टर्न टू फॉर प्रॉपर इंटेक। लाइक एंड शेयर दिस रील टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेट पेरेंट्स।